आईपीएल 2022 के सीजन के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां पर इस साल होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसके साथ ही मेगा ऑक्शन से पहले अब लगभग ये तय हो चुका है कि आखिर आईपीएल 2022 के सीजन में अब कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर कप्तान रहेगा। मैं इस वीडियो में आपको सभी 8 टीमों को अगले आईपीएल एडिशन के कप्तान बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम के कप्तान में बदलाव होगा। इसके साथ ही कौन सी आईपीएल टीम का आखिर कौन से प्लेयर को कप्तान नियुक्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आईपीएल 2022 के सीजन के लिए सभी टीमों के कप्तानों के, आखिर कौन सी टीम में कौन से प्लेयर को अब कप्तान के रूप में चुना जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो एमआई की टीम ने तो कंफर्म कर दिया कि अगले आईपीएल एडिशन में भी रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान रहेंगे। जहां पर रोहित शर्मा ने पिछले कुछ सालों में इस टीम को 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया, इसी वजह से इस टीम के कप्तान में अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर से रोहित शर्मा एज ए कैप्टन इस टीम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सीएसके की टीम की, तो इस टीम के ओनर्स ने भी बता दिया कि जब तक एमएस धोनी इस टीम के साथ कंटिन्यू रहेंगे वही इस टीम के कप्तान होंगे। हालांकि हो सकता है कि एमएस धोनी के बाद रविंद्र जाडेजा को इस टीम की कप्तानी मिल जाए, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को, या फिर फेफ डुप्लेसिस को इस टीम की कप्तानी मिल जाए। लेकिन कुल मिलाकर अगले आईपीएल एडिशन में तो अब एमएस धोनी इस टीम के कप्तान रहेंगे। अब बात करते हैं केकेआर की टीम की, तो केकेआर की टीम ने कंफर्म कर दिया कि ओयन मॉर्गन के साथ अब ये टीम कंटिन्यू नहीं रहेगी। कुल मिलाकर ओयन मॉर्गन को अब ये टीम रिलीज करेगी और नए कप्तान के रूप में या तो मेगा ऑक्शन में से सूर्य कुमार यादव को परचेस करके ये टीम उनको अपना कप्तान नियुक्त करेगी, या फिर शुभमन गिल को रिटेन करके इनको अपना कप्तान नियुक्त करेगी। तो अगले आईपीएल एडिशन में यानी आईपीएल 2022 के सीजन में या तो सूर्य कुमार यादव को या फिर शुभमन गिल को इस टीम की कप्तानी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम ने भी कंफर्म कर दिया कि अगर विलियमसन को ये टीम रिटेन करती है तो विलियमसन इस टीम के कप्तान होंगे। अदरवाइज मेगा ऑप्शन में से ये टीम जोस बटलर को परचेस करके अपना कप्तान नियुक्त कर सकती है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि अगले आईपीएल एडिशन में अब या तो हैदराबाद की तरफ से हमें जोस बटलर कप्तानी करते हुए दिख जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग हैदराबाद की टीम को आखिर कौन से प्लेयर को अपना कप्तान नियुक्त करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी कंफर्म कर दिया कि अगले आईपीएल एडिशन में इस टीम के कप्तान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर से ऋषभ पंत एज ए कैप्टन इस टीम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि हो सकता है कि अब सरेश अय्यर को ये टीम अपनी टीम में कंटिन्यू ना रखे, उनको अपनी टीम से रिलीज कर दे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये टीम संजू सैमसन के साथ ही कंटिन्यू रहेगी। कुल मिलाकर अब संजू सैमसन ही अगले आईपीएल एडिशन में इस टीम के कप्तान रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी कप्तान को लेकर यहाँ पर सबसे अधिक सवाल है। जहाँ पर आरसीबी की टीम ने हाल फिलहाल में तो यहाँ पर 4 प्लेयर्स के नाम रिवील किए। कुल मिलाकर इन 4 में से किसी एक को कप्तान नियुक्त किया जाएगा। जहाँ पर सबसे पहले केएल राहुल का, इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल का, इसके साथ ही डेविड वॉर्नर का और जोस बटलर का इस टीम ने नाम रिवील किया। कुल मिलाकर इन 4 में से अब किसी एक को ये टीम कप्तान नियुक्त करेगी। जहाँ पर मेगा ऑप्शन में हो सकता है कि केएल राहुल, बटलर, इसके साथ ही डेविड वॉर्नर को ये टीम टारगेट करे। इनमें से जो प्लेयर इस टीम के हाथ लग जाएगा उसी प्लेयर को अब शायद इस टीम की कप्तानी मिल जाए। तो कुल मिलाकर आरसीबी की तरफ से अब हमें नया कप्तान देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी की टीम को आखिर इनमें से कौन से प्लेयर को अपना कप्तान नियुक्त करना चाहिए। अब बात करते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब की मैनेजमेंट ने भी कंफर्म कर दिया कि मेगा ऑप्शन में से या तो जो रूट या फिर ओयन मॉर्गन को परचेस करके ये टीम अपना कप्तान नियुक्त करेगी। हालांकि मेगा ऑक्शन में अब सुरेश रैना को भी ये टीम टारगेट करेगी, लेकिन शायद सुरेश रैना को ये टीम कप्तान नियुक्त ना करे, या तो जो रूट या फिर ओयन मॉर्गन में से अब किसी एक को ये टीम कप्तान नियुक्त करे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन कौन सी टीमों को अपने कप्तान बदलाव करना चाहिए और कौन सी टीम को आखिर कौन से प्लेयर को कप्तान के रूप में परचेस करना चाहिए। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।